हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट जो कि बहुत एक्साइटेड हैं, तो मैं जान लेता हूं उनका नाम और कितने डेज हो चुके और क्या सीखने वाले। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, क्या नाम है आपका? Myself, सचिन। ओके, कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? आज मेरा ये 7 डे है। ओके, और अभी तक आपने कौन कौन से गियर में कार को चलाया? सर, अभी तक तो मैंने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए सचिन जी, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है ड्राइविंग से रिलेटेड जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, कि एक होता है कार में यू टर्न करना, और वो भी सिंगल रोड पे और ऑन ट्रैफिक। कार में यू टर्न करना, वो भी ऑन ट्रैफिक और सिंगल रोड। जैसे कि मॉर्निंग का टाइम है, 8 बज रहा है और देखो कितना ज्यादा ट्रैफिक है सिंगल रोड पे। तो आज मैं आपको कुछ पैटर्न बताऊंगा कार को यू टर्न करने के। तो आप रेडी है? यहाँ पे स्पीड की कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड गियर में ही ये प्रोसीजर होने वाला है। तो अभी कार का इंजन ऑन करिए आप। इंजन ऑन हो गया, वेरी गुड। अभी सबसे पहले आपको हैंडब्रेक अनलॉक करना है, क्योंकि हैंडब्रेक का सिंबल आ रहा है, हैंडब्रेक ऑन है। अब आपको डालना है फर्स्ट गियर। अब राइट का देना है सिग्नल। सिग्नल राइट का इसलिए देना है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें राइट तो टर्न नहीं करना, तो सिग्नल क्यों दे रहे हैं? उसके बारे में क्या कहेंगे सचिन जी आप? सर, सिग्नल सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सामने वाला और पीछे वाला हम लोग इंडिकेट को देख के ही वो अलर्ट हो जाएगा। हमें जाना स्ट्रेट है, बट फिर भी सिग्नल इसलिए देना है ताकि पीछे से आने वाले जो व्हीकल है वो अलर्ट हो सके, उनको ये क्लियर हो जाए कि भाई ये गाड़ी चलने के लिए रेडी हो चुकी है। कई बार क्या होता है, हम सिग्नल नहीं देते, सडन गाड़ी को राइट टर्न कर देते, अब निकाल देते हैं खड़ी गाड़ी पे, एक 60 डिग्री से स्टेयरिंग को घुमा देते और आने वाला पीछे से जो आ रहा होता है वो 1 से 1.5 फीट का ही मार्जिन लेके चलता है। तो आप जब 60 डिग्री से स्टेयरिंग घुमाते हो तो 2 से 2.5 फीट गाड़ी आपकी राइट टर्न हो जाती है, वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर हम सिग्नल्स का यूज करते, पासिंग डिपर का यूज करते, हॉर्न का यूज करते, तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं, है ना। अच्छा चालक वो नहीं है जो 60 साल से चला रहा है, अच्छा चालक वो है जो 1 महीने से चला रहा है, 2 महीने से, बट वो चीजों को बहुत ध्यान से अपने साथ साथ सामने वाले का भी ध्यान रखे। तो अभी हमें करना है यहाँ से यू टर्न। तो आपको क्या करना, राइट पूरा स्टेयरिंग खड़ी गाड़ी पे राइट घुमा लो, स्टेयरिंग 90 डिग्री से। 90 डिग्री कहते हैं 1.5 राउंड, ये डेढ़ राउंड आपने घुमा दिया, ठीक है, डेढ़ राउंड घुमा दिया। अब आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे रहेगा सचिन जी, बट ब्रेक दबा नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम खड़ी गाड़ी पे पूरे टायरों को घुमा देते हैं 90 डिग्री से, तो क्या होता है कि हल्का सा हमें एक्सीलेटर की नीड होती है, बट एक्सीलेटर नहीं लेना है फिर भी गाड़ी, बट क्लच को इक्वल प्रेशर से रिलीज करना। अगर आपने जरा सा भी क्लच झटके से छोड़ा तो इंजन बुझ जाएगा, और इंजन बुझते फिर दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको देखना अपने राइट वाले ORBM में, धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना, और ब्रेक 1% भी दबा नहीं होना चाहिए, और अपने राइट वाले ORBM को ध्यान दो, धीरे धीरे चलो, एकदम बहुत लाइटली, हाँ बहुत प्यार से, बस इससे ज्यादा क्लच नहीं रिलीज करना है। धीरे 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 खिसकाते रहो, धीरे 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 जाओ। अब हल्का सा एक्सेलेटर ले लो, हल्का सा, हाँ जाओ जाओ, डरना नहीं, एकदम कूल माइंड से, हाँ जाने दो जाने दो, गुड गुड। ब्रेक पे पैर ले आओ, अब सीधी कर लो स्टेयरिंग, और गुड। बट एक चीज का ध्यान दो सचिन जी, जब आपने सीधी करी तो क्या आपकी नजर इस लेफ्ट वाले ORBM में आई थी? नहीं आई। सबसे इंपॉर्टेंट यही था, ये मिस्टेक जो होती 90% लोग करते हैं। जब आपने गाड़ी को सीधा किया स्टेयरिंग को, तो आपको गाड़ी तो लेफ्ट लेके आनी थी, तो ये इंपॉर्टेंट था लेफ्ट वाला ORBM, क्योंकि उस टाइम आपको लोग लेफ्ट से ओवरटेक कर सकते थे, लेफ्ट से ओवरटेक कर सकते थे, क्योंकि हमें अपनी साइड लेफ्ट मेंटेन करनी थी, ठीक है। अभी धीरे धीरे चलने दो, और आगे जाना है, अभी धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे धीरे चलने दो। अब यहां पे आपको और चलने दो, हल्का लेफ्ट आओ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, अब पूरा क्लच दबाओ और प्यार से ब्रेक लगाओ, नहीं नहीं सीधी रखो स्टीयरिंग, एकदम सीधी, टेढ़ी करने की जरूरत नहीं, सीधी स्टीयरिंग सीधी करो, हाँ। अब आपको क्या करना है, राइट का सिग्नल देना है 90 डिग्री से, फिर स्टीयरिंग घुमा लो 1 राउंड, फिर 1/2 राउंड, ये 1 राउंड हो गया, ये 1/2 राउंड हो गया। अब आपको फिर धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना है, और हॉर्न पे हाथ रख सकते हो, बीच बीच में आजकल हॉर्न नहीं बज रहा है, कभी कभी हॉर्न फंस जा रहा है, चेंज कराने वाला है ये। अब जाओ धीरे धीरे, अगर आपको डाउट हो रहा है कि भाई स्लोपिंग वाले एरिया में कुछ इस टाइप से, तो आप वहां पे हल्का सा एक्सेलेटर पे भी फ्लो बना सकते हो, धीरे धीरे जाओ जाओ जाओ, धीरे धीरे जाओ 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 जाओ, चलो 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 चलो, धीरे 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 खिसकाते रहो खिसकाते रहो खिसकाते रहो, चलो चलो। अब अपने लेफ्ट वाले ORBM को चेक करो, अब देखो आपने क्या मिस्टेक कर दी, आपने एक्सेलेटर पे पैर रख लिया, और एक्सेलेटर की यहाँ कोई नीड ही नहीं थी, थी नहीं सर, नहीं थी एक्सेलेटर की नीड ही नहीं थी। तो होता है क्या है कि आप चाह रहे हो ब्रेक दबाना, और बाय मिस्टेक आपसे एक्सेलेटर दब जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में चल रहा है ब्रेक और पैर है आपका एक्सेलेटर पे, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। 90% नए लोगों के साथ ये होती है, हड़बड़ाहट में पैनिक कंडीशन में, वापस लेफ्ट आओ,
और लेफ्ट, और यूटर्न के टाइम ना सचिन जी जितना लेफ्ट सटा के राइट टर्न करोगे उतना स्पेस ज्यादा मिलेगा, फिर यहां से राइट का सिग्नल पूरी 90 डिग्री से घुमा दो स्टीयरिंग, चलो अब बस आ रही, देख रोक जाओ, निकल जाने दो उसको, हल्का सा आप एक्सीलेटर पे फ्लो बना सकते हैं हल्का सा अगर आपको लगता है तो, एकदम बारीक सा, चलो धीरे धीरे जाओ 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 धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे धीरे धीरे गाड़ी को निकाल रहे हो, ऑन ट्रैफिक में जबरदस्त ट्रैफिक जो होता है आप सीधी कर लो धीरे धीरे, ऑन ट्रैफिक में भी गाड़ी ऐसे धीरे 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 रेंगाई जाती है जैसे आप रेंगा रहे हो, क्योंकि वहां पे हम अपनी गाड़ी हमारी कंट्रोल में, बट हमें सामने वाले की स्पीड को समझना होता है कि उसकी स्पीड क्या है और वो कितनी देर में हमें क्रॉस कर सकता है, जो ये दूरी होती है ना गैपिंग, इसको आपको ऑब्जर्व करना होता है, स्कैन करना होता है, और एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर की गाड़ी को बहुत अच्छे से स्कैन कर सकता है क्योंकि उसको स्पीड की लिमिटेड पता है। और आगे जाओ, और थोड़ा आगे जाओ, अभी यहाँ पे थोड़ा चौड़ा रास्ता है, थोड़ा और आगे जाने दो, अब यहाँ पे फिर गाड़ी को स्टॉप करना है, पूरा क्लच देन ब्रेक, क्योंकि ऑन ट्रैफिक है तो एक ही बार में आप यू टर्न नहीं कर सकते हो, एक ही बार में आप यू टर्न नहीं कर सकते हो, फिर आप राइट का सिग्नल दो, दे दिया, खड़ी गाड़ी को 90 डिग्री से घुमा लो स्टीयरिंग को पूरी तरीके से, अब पहले ब्रेक को रिलीज करना है फिर धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना है, आप हॉर्न का भी यूज यहां कर सकते हैं, गुड गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत अच्छी, चलो गुड 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 गुड, इंजन को कंट्रोल करना अगर हमने सीख लिया, इंजन को कंट्रोल करना अगर हमने सीख लिया तो हमारी गाड़ी पूरी हमारे कब्जे में है, उसको बोलते हैं क्लच का बनना बादशाह, और सारा खेल है क्लच का, सारा जो गेम है ना इंजन को कंट्रोल करना पूरा क्लच पे डिपेंड करता है। अब हल्का सा लेफ्ट आओ, हाँ अब यही से फिर हमें यू टर्न मारना है, स्टॉप करो गाड़ी, अब पीछे आपके ब्लैक कलर की ब्लोरो आ रही है, ठीक है अब पूरी 90 डिग्री से घुमा दो, हल्का सा एक्सेलेटर लेके, पीछे से ट्रैफिक आ रहा है ध्यान रखिएगा, सबसे जो पावरफुल गियर होता है ना वो होता है ब्रदर फर्स्ट गियर, सबसे पावरफुल गियर जो होता है वो फर्स्ट गियर होता है, हाँ धीरे 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 एकदम बारीकी बारीकी बारीकी, हाँ चलते रहो, हल्का एक्सेलेटर लेना पड़ेगा अब यहाँ पे, जाओ 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 जाओ, डरो मत डरो मत, चलो 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 चलो, घबराओ मत घबराओ मत घबराओ मत घबराओ मत, बस सीधी कर लो, वेरी गुड, वाओ सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया गजब, मैंने 1% भी क्लच ब्रेक को टच नहीं किया है, ठीक है ये अब चलती गाड़ी आपको यू टर्न मारना है, अब रोकना नहीं है, जैसे इससे पहले 3-4 बार मैंने गाड़ी को स्टॉप करके कराया, अभी गाड़ी को चलते चलते यू टर्न मारना, लेकिन मैं बताऊंगा पहले गाड़ी अपनी पूरी लेफ्ट सटा लो, पहले गाड़ी अपनी पूरी लेफ्ट सटा लो, अब राइट का सिग्नल दो, हाँ चलते चलते अपना लेफ्ट और राइट वाला ORBM, हाँ अब 90 डिग्री से घुमा दो, चलो 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 चलो, जाओ 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 जाओ, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, गुड सीधी कर लो, अब फिर एक बार आपको चलते चलते यू टर्न मारना है, चलते चलते यू टर्न में क्या होता है आने जाने वाली गाड़ियों को स्कैन करना होता है कि जब हम यू टर्न कर रहे हैं तो कितनी देर में वो गाड़ी मेरे पास आ सकती है, अब फिर राइट का सिग्नल दो और अपनी गाड़ी लेफ्ट दबा के जितना लेफ्ट मार्जिन लेके 90 डिग्री घुमा दो, राइट पूरी फुल घुमा दो फुल, हाँ चलो 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 जाने दो, जाओ 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 जाओ, गुड 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 वेरी गुड वेरी गुड, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, सीधी कर लो गजब, अब थोड़ा सा लंबा चलना है, पुल जहां एंड हो रहा है वहां से थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, ब्रेक पे पैर नहीं आया आपका, पैर नहीं आया था और आपने एडी थोड़ा इधर ज्यादा खिसका दिया, पैर आप हाँ ये होना चाहिए, अब यहाँ लेफ्ट में स्टॉप करना है, पूरा क्लच देन ब्रेक, फुल क्लच देन ब्रेक, गाड़ी रुक गई रोक लो, अब फर्स्ट गियर में करो इसको, फर्स्ट गियर में, ये थर्ड गियर है डियर, अब 90 डिग्रीज घुमा दो राइट फुल घुमा दो, चलो चलो निकालो बस आ रही पीछे, चलो 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 चलो, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, धीरे धीरे चलने दो चलने दो चलने दो, गुड गुड गुड, अब सीधी कर लो सीधी कर लो। एक्चुअल में सचिन जी एक प्रॉब्लम्स आ रही है आपके साथ, जो मेरा मानना आपकी जो एडी है ना राइट वाले पैर की
वो ब्रेक के एकदम सेंटर में रखो पैर। अब देखो आधा पैर आपका ब्रेक पे था, आधा एक्सीलेटर पे था, एडी को थोड़ा उधर खिसका के रखो। हाँ, एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में आप अपनी एडी को रखो ताकि आसानी से आप पैर को यूज कर सको। अभी आपका पैर थोड़ा ज्यादा लेफ्ट आ जा रहा है, अभी स्पीड मेंटेन करो, जाओ। हाँ, ये पॉइंट होना चाहिए। अब देखो एकदम प्रॉपर पैर है, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, छोड़ो क्लच। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।